हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। जब भी हम कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आइज़। और आइज़ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं यूजुअली बिगनर्स करते हैं। तो आज मैंने कुछ पांच ऐसे पॉइंट्स फोकस किए हैं जो मिस्टेक्स बिगनर्स करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्लेसमेंट। हमें पता नहीं होता है कि हम जब भी कोई पोर्ट्रेट स्टार्ट करें तो वहाँ से आई कहाँ से स्टार्ट करें। तो जनरली क्या होता है कि हम आई कोई, जैसे आप कोई भी एक पेपर देख रहे हो जो कि ए फोर साइज़ का जनरली हम लोग लेते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है, इधर से करना है। तो हमें एक परफेक्ट ये नहीं होता है कि अगर हम कोई भी एक आई अगर हम कहीं से भी स्टार्ट कर देते हैं, अगर अगर हम यहाँ से ही अगर आई स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फेस आप ड्रॉ करोगे तो जब नेक्स्ट आई ड्रॉ करोगे, नोज़ ड्रॉ करोगे, लिप्स ड्रॉ करोगे, तो हमारे पास प्रॉपर एक प्लेस नहीं रहेगा कि हम चिन ड्रॉ करें। कभी कभी हेयर के लिए स्पेस नहीं रहेगा। तो प्लेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी आप ड्रॉ करो तो एक आप लेंथ डिसाइड करो कि और विड्थ डिसाइड करो कि हमें कहाँ पे करना है और पेज के कौन से पार्ट पे करना है। जैसे कि हम यूजुअली जब भी हम करते हैं तो सेंटर में करते हैं। तो जब भी आप एक ड्रॉ करने वाले हो तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो वहाँ पे, जिससे कि पता चलेगा कि आपको जो पूरा फेस है उस सर्कल के बाहर नहीं जाना चाहिए। जब भी आप इसके अंदर ड्रॉ करोगे तो आइज, नोज, लिप्स, ये सब जो है आपको एक उसमें आ जाएंगे, एक एरिया में आ जाएंगे। तो आपका जो पोर्ट्रेट होगा बहुत ही सेफ होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अब जो भी मैं ड्रॉ करूँगा सब इसके अंदर होगी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं जो सबसे पहला है जो प्लेसमेंट, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है अलाइनमेंट। जब भी हम आई ड्रॉ करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट अगर रॉन्ग होता है तो हम लोगों ने शेप नहीं पता है। तो हम एक आई यहाँ से ड्रॉ करते हैं, और एक आई जो होता है यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने में प्रॉब्लम क्या है? ये है अलाइनमेंट। जो आप ये देख रहे हो इसको कहते हैं अलाइनमेंट लेना, जो कि एक आई जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से हुआ है और दूसरा यहाँ से। तो एक जो आप देख रहे हो ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप है ये आ गया, ये डिस्टेंस का जो गैप है वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लिया प्लेसमेंट, और सेकेंड जो है आपको एक हल्का सा लाइट एक लाइन लेना है, तो वहाँ पे आपको आई ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है वो उसका साइज होना चाहिए। तो पहला जो है आपको एक साइज लेना है, मैंने यहाँ पे एक आई का जो है साइज ले लिया। अब ये साइज ले लिया यहाँ पे, तो एक अलाइनमेंट जो है, अब जो नेक्स्ट आई ड्रॉ करूँगा मैं तो वो इसी अलाइनमेंट पे ही होगा। तो ये जो होगा, जो आप देखते हो कभी कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो अंदाज़ पे हम ड्रॉ करते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, उसके बाद है शेप। शेप हम कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे जनरली क्या होता है कि पहला जो शेप है हम कुछ ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप। तो इसके लिए जो शेप है, मैं आपको बता दूं कि शेप जो है आपको कैसे लेना है, ये कुछ ऐसे लेना है। और यहां से जो आप लोगे सबसे पहला जो है, जैसे मैंने आपको अलाइनमेंट बताया था, तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया यहाँ पे, और एकदम आपको बिल्कुल ही ओवल शेप नहीं लेना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग ओवल शेप ले लेते हैं यहाँ पे बिल्कुल ही ऐसे, ये शेप नहीं लेना है। जो जिसको आप देख रहे हो कि कंप्लीट आप यहाँ पे टॉप है जो है एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इसको हमें थोड़ा, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है सबसे ज़्यादा होता है विड्थ का, टॉप का जो ये जो है डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो हम करेंगे और यहाँ पे ये, तो ये चीज़ें हैं जो आपने शेप देखा, ये कुछ ऐसे और ये यहाँ पे। तो इसको हमें मेंटेन करना होता है, ना कि कंप्लीट एक ओवल जो ड्रॉ करते हैं वो शेप मैटर करता है, और सेम चीज़ जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। और इसके बाद जो है वो है डिस्टेंस। जब जब हम पहला जब ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो
तो सेकेंड आई का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो जैसे हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट आई जो है हम लोगों ने एक जो अलाइनमेंट है किया, और सेकेंड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ शेप, और शेप के बाद जो थर्ड है वो है डिस्टेंस। तो जनरली क्या होता है कि एक और मिस्टेक है जो मैंने हमेशा ही देखा है कि बिगनर करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ये पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं, पॉइंट लेने के बाद फिर आपका डिस्टेंस पता नहीं होता है कि डिस्टेंस कहाँ से करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस ऐसे ले लेते हैं। तो एक तो मिस्टेक यहाँ पे हुआ, और एक शेप का हुआ और डिस्टेंस का। तो ये चीज़ें जो है मिस्टेक हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट आई ड्रॉ किया, तो दोनों आई के बीच में सेम डिस्टेंस होना चाहिए जो मैंने पहला आई ड्रॉ किया। तो वो चीज़ें जैसे आप देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है हम लोगों ने बनाया, और जो सेकेंड आई है वो भी सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये जो गैप है आपको मेंटेन करना होता है, जो कि जनरली यहाँ पे नहीं करते हैं जैसे आप देख रहे हो। तो ये चीज़ें एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक हैं जो होती हैं। तो जो अभी सेकेंड आई ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास मिल गया शेप, और इसके साथ साथ हमें मिल गया कि कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि इसमें एक और मिस्टेक होती है, वो है कि ऊपर और नीचे हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, अगर आपका अलाइनमेंट भी कई बार मैंने देखा है कि अगर सेम पे हो तो भी यहाँ पे जो कुछ चीज़ें ऊपर और नीचे हो जाती हैं। कैसे, तो अगर मैंने यहाँ पे आई ड्रॉ किया, सब कुछ ठीक है, ये अलाइनमेंट पे भी मैंने यहाँ पे अच्छे से किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे, अगर मैंने ये भी अलाइनमेंट भी कंप्लीट पकड़ा, तो ये जो है ये भी फ्रंट में जब भी हम बनाते हैं तो ये एक्यूरेट होना चाहिए, और नीचे का भी जो है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम गलती कर देते हैं और इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो छोटी और बड़ी हो सकती हैं यहाँ पे, जबकि हम अगर यहाँ पे भी अगर सही लेते हैं तो भी यहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं, जो कि आपने देखा कि ये भी एक अलाइनमेंट का ही पार्ट है, जो कि देख रहे हो छोटी और बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें आपको मेंटेन करना है यहाँ पे, ये जो है, तो अब मैं जो ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो हमें कंप्लीट एक मिल गया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट आई जो है वो यहाँ से, तो अभी जो चीज़ें मैं बनाऊँगा बिल्कुल ही परफेक्ट बनेंगी, क्योंकि चीज़ें जो हैं आप विड्थ भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट करेक्ट होगा, और यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि आपको गलत हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डिस्टेंस। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं, और यहाँ पे जब भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें छोटी या बड़ी दिख रही हैं तो आप वहीं पे ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ें जो है रेगुलर आप कैलकुलेट करते रहें, वरना क्या होता है कि जब भी आप शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर वहाँ पे मिस्टेक को करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये यहाँ पे मैंने बताया आपको। इसके बाद होता है कि आई बॉल, आई बॉल को जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, एक प्लेसमेंट जो है वो परफेक्ट नहीं होता यहाँ पे, और साइज भी है कोई एक छोटा और एक बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ें परफेक्ट नहीं आ पा रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि एक वन आई को हमें ड्रॉ करना है, हमें एक सेंटर में, और उसके पहले एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ड्रॉ करते हो तो इसमें एक सेंटर लाइन होता है, जो लाइन ऑफ एक्शन होता है नोज़ के लिए, लिप्स के लिए, और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमें कोई भी पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्लस का साइन है, ये चीज़ें अलाइनमेंट जो है ये होनी ही चाहिए। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ आई बॉल को, जो भी हमारा अगर आप रेफरेंस लेते हो तो चीज़ें जो हैं आपको एक आई का जो आई बॉल है
वो चीज़ें आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये आप देख रहे हो, और जो भी स्पेकुलर का पार्ट है वो चीज़ें हम छोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया आई बॉल। तो अभी मैंने जैसे अभी अंदाज पे ही बनाया था आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रॉपर कैलकुलेशन पता नहीं होता कि कहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो पॉइंट है यहाँ से अभी आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया। और सेम जो है ये लाइन से मैं कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ले लूँगा, और आप जो दूसरी जो पेंसिल होगी आपके पास तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं, या स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। इनिशियल डेज में अगर आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी आप देख रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप कैलकुलेशन में ले सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपको ये लेनी है, तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो कि इसका जो कैलकुलेशन है अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया, ये अभी परफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको कि इसमें जो हम लोगों ने सेंटर से जो लिया है हम लोगों ने, तो ये साइज का होना चाहिए। ये जो आप साइज देख रहे हो इसका विड्थ कुछ इतना है, तो हमारे पास ये जो साइज है ये आ चुका है। अब इसमें क्या होगी, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये चीज़ें, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमें मिल गया, तो हमें एक प्रॉपर साइज पता चल गया कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा, जो कभी होता है जो चीज़ें यहाँ पे हुई एक छोटी और एक बड़ी, वो चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं। तो हमें सेम साइज़ का आई जो है वो मिल जाता है आई बॉल। और ज़्यादा अगर आपको एक्यूरेशन चाहिए तो यहाँ से आप दोनों को देख सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली सेम होगा। और यहाँ पे हम अभी जो आई प्यूपिल है वो ड्रॉ कर लेंगे, ये स्पेकुलर पार्ट। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि परफेक्ट एक आ चुका है यहाँ पे, आपको यहाँ पे आई बॉल भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आपको चीज़ें अगर आप थोड़ा सा आपको एक कैलकुलेशन करना होता है वो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो पोर्ट्रेट है वो परफेक्ट होता है। और ये जो चीज़ें मैंने आपको चार चीज़ें बताई आपको, इसके बाद होता है कि आप आईब्रोज जो हैं वो कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए। तो उसके पहले तो एक जो जो भी हमारा ये शेप है तो उसमें एक रिंकल्स होते हैं, वो चीज़ें हमें ड्रॉ करना होता है, जहाँ पे एक फोल्ड आता है। ये आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल ही सेम शेप का। और ये जो है अलाइनमेंट, ये भी आपको मेंटेन करना होता है, जो मैंने यहाँ पे किया।